मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। मेरे पास 3000 स्टॉक है DLS इंटरनेशनल का। ठीक है। ये एवरेज कॉस्ट प्राइस है 149। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पे आपने एंट्री की है। और आज हम देख रहे हैं कि आज ये स्टॉक लगभग 6.5% ऊपर और अच्छा खासा मुनाफा आपको होता हुआ, कोई नजरिया कब तक रुक सकते हैं आप? सर मैं ये नजरिया 2 साल के लिए है, और भी रुक सकता हूँ। ठीक है, इसलिए व्यू चाहता हूँ। ठीक है, 2 साल का नजरिया। नितलेश आपके पास आएंगे, BLS इंटरनेशनल आज ही हम देख रहे हैं 6.5% से ऊपर ये स्टॉक और अच्छी तेजी, और जिन लेवल पर इन्होंने लिया 149 रुपए पे एंट्री की है, बहुत बेहतर इस वक्त स्टॉक में संकेत मिलते हुए। आगे 2 साल के लिए क्या नजरिया बन रहा है? देखिए स्टॉक में डेफिनेटली लोअर लेवल के ऊपर एंट्री हुआ है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक में और पोटेंशियल है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा 245 एक बेस एरिया, इसके नीचे जाएगा तभी इसमें खराब पोजीशंस देखने को मिलेगी। लेकिन जब ये 277-278 ये लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर ये लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा, और मेरे हिसाब से 360-350 तक की भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो नीचे में 245 एक बार के लिए ध्यान रखें, इसके नीचे जाता है तो स्टॉक में खराब हो सकता है, लेकिन लोअर लेवल के ऊपर फिर से आप इसमें एंटर कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने वो काफी बड़े लेवल के बाद ब्रेकआउट दिया है। तो 180-190 अगर किस तरह से भी आता है आपका स्टॉप लॉस होने के बाद तो वो लेवल भी खरीदारी का ही होगा, स्टॉक काफी बुलिश है। ठीक है।